ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं प्रदेश की ओर। जिला बिलासपुर के गुरु का लाहौर और विश्व विख्यात शक्तिपीठ श्री नैना देवी में होला मोहल्ला मेला बारिश की रिमझिम फुहारों में धूमधाम के साथ संपन्न हो गया। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर बाइक सवार श्रद्धालुओं का हजूम देखने को मिला। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और गुरु महाराज और माता जी का शुभ आशीर्वाद प्राप्त किया। जिला बिलासपुर के गुरु का लाहौर और विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में होला मोहल्ला मेला बारिश के रिमझिम फुहारों में धूमधाम के साथ संपन्न हुआ। हिमाचल के पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादातर बाइक सवार श्रद्धालुओं का हजूम देखने को मिला। प्रशासनिक आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में लगभग 1 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए और गुरु महाराज और माता जी का शुभ आशीर्वाद भी प्राप्त किया। कहा जाता है कि प्राचीन मान्यताओं के मुताबिक आनंदपुर साहिब मेला होला मोहल्ला मेले के दौरान ज्यादातर श्रद्धालु गुरु का लाहौर बस्ती में दर्शन करके माता नैना देवी के दर्शन करके परिक्रमा पूरी करके घरों को वापस जाते हैं। होला मोहल्ला मेले के दौरान जिला बिलासपुर का क्षेत्र भी पूरी तरह से खालसे के रंग में रंग रहा है और जो बोले सो निहाल के जयकारों से गूंजता रहा, जहां पर श्रद्धालुओं ने विशाल लंगरों का आयोजन किया। वहीं पर पंजाब, हिमाचल, हरियाणा से काफी संख्या में सिख श्रद्धालुओं दर्शनों के लिए पहुंचे। जो होला जो बड़ी धूमधाम से आया, लोग बहुत आए, बहुत सुख शांति से संपन्न हुआ और माता जी का आशीर्वाद लोगों ने प्राप्त किया। जय माता। गत वर्ष की भांति इस बार भी, जैसा कि आपको मालूम ही है कि श्री अनंतपुर साहिब में 3 दिन का होला मोहल्ला उत्सव जो है बड़ी धूमधाम से संपन्न हुआ है। भारी रश को देखते हुए श्री नैना देवी में भी श्रद्धालुओं के भारी आवागमन की हमें जैसा कि पहले अंदेशा था, तो प्रशासन की तरफ से यहाँ पर भी पूरा इंतजाम किया गया था। 3 दिन के अंदर यहाँ पे जैसा कि हम अनुमान लगा सकते हैं कि 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने माता के दर्शनों का लाभ उठाया है। किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना का यहाँ पे जो है हमें किसी भी तरह से ध्यान में नहीं आई है। प्रशासन की तरफ से सभी जो प्रबंध थे, उचित प्रबंध जो है श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए किए गए थे और सभी प्रबंध जो है हमारे बहुत ही कारगर साबित हुए हैं। अंत में मैं सभी श्रद्धालुओं से अपील करता हूँ। खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अरे आप होले मेले खेडन आए थे अनंतपुर साहब के सामने नैना देवी इधर आए हैं दर्शन करने वास्ते। दर्शन आके वधिया बहुत चंगा लगे इतने आके। इतने हम मौसम भी थोड़ा जहा जंगी हो रहा है, कैम जंगी बनया गया है, मौसम चढ़ती कला हो गई। इतने आके जाप कितने महाराज ने कराए, आप ही बहुत चंगे लगे। हम चटके करांगे नारी नगर चटकावांगे। दर्शन दिया करो जो अनंतपुर साहब आए, दर्शन कराया करो। अभी महाराज का स्थान ही है, आया करो इत्थे। संगत नूं बेनती है, प्रगट कराया सी इत्थे महाराज ने, तप कीता सीगा कि आपां वी कोशिश करिए इधर आईए ना, इत्थे आके बाणी पढ़िए, उगड़ दंती बाणी पढ़िए, ब्रह्म कवच दे जाप करिए, जपजी साहिब करिए, नितनेम करिए, इधर आके बाणी पढ़िया करिए। इत्थे स्थान शांति वाला स्थान है, नाल आओगे तो पता चलेगा इत्थे किहो जिहा स्थान है। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। घर ही घर महाराज, होला मोहल्ला वेखन आए थे श्री आनंदपुर साहब, तो हूँ ही आया माता नैना देवी जी के, सारे मोटरसाइकिल अपने नाल आए हुए हैं। सानू बहुत वधिया लगा पहाड़ा च आ के।